भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त देते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह से हैरान किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े। बावजूद इसके पूरी टीम अंतिम 91 रनों पर ऑल आउट हो गई, यानी कि 181 रनों पर टीम इंडिया ढेर हो गई, जिसे चेस करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी आई, लेकिन अंत में शेहोप की अच्छी बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ईशान किशन को छोड़कर कोई बल्लेबाज कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। एक बार फिर से इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराश किया, जिसमें पहला नाम तो संजू सैमसन का है, जिन्हें 200 से ज़्यादा दिनों के बाद एक मैच खेलने का मौका मिला, उसमें भी वो 9 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे थे सूर्य कुमार यादव, पहले मैच में 19 तो दूसरे मैच में 24 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट गंवा दिया। आखिरी 12 वनडे पारियों में सूर्य कुमार यादव के नाम सिर्फ 136 रन हैं। इस दौरान अगर उनके एवरेज की बात करें तो वो 11 से ऊपर ही है। हैरानी होती है ये देखकर कि T20 का बादशाह वनडे क्रिकेट में इतनी बुरी तरह से संघर्ष कर सकता है। सूर्य कुमार यादव वनडे क्रिकेट में रन बनाना तो दूर की बात है, यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। टीम मैनेजमेंट कभी उन्हें नंबर 3 पर उतार देता है तो कभी उन्हें नंबर 6 पर उतारता है। यहाँ बल्लेबाज को यही नहीं पता चल रहा है कि वो टीम के लिए अच्छी पारी खेले, बड़ी पारी खेले या टीम के लिए फिनिश करे। लेकिन बावजूद इन खराब परिस्थितियों के, खराब फॉर्म के, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव को बैक किया है और उनके बचाव में उन्होंने जो बात कही है उसे जानने के बाद फैंस थोड़े हैरान तो होंगे, लेकिन शायद सूर्य कुमार यादव के लिए भी ठीक रहेगा। अपने बयान में राहुल द्रविड़ सूर्य कुमार यादव का बचाव करते हुए कहते हैं कि यहां तक कि वो ये स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि उनके वनडे नंबर शायद उनके उच्च मानकों के अनुरूप नहीं हैं जो उन्होंने T20 में स्थापित किए हैं। वो शायद एक दिवसीय क्रिकेट सीख रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया में डेब्यू से पहले बहुत सारे IPL, बहुत सारे T20 क्रिकेट मैच खेले हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट उन्होंने शायद उतना नहीं खेला। एक दिवसीय क्रिकेट में कोई IPL नहीं है, इसलिए वो सीख रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि बीच के ओवरों में कैसे बल्लेबाजी करनी है। अब यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने तो ये कह दिया कि सूर्य कुमार यादव अभी वनडे क्रिकेट सीख रहे हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिहाज से ये बयान सूट नहीं करता है, क्योंकि आने वाले 3 महीनों के अंतराल में वनडे विश्व कप है और हमारे पास मध्य क्रम में बल्लेबाज नहीं हैं। अगर वो वनडे क्रिकेट अभी भी सीख रहे हैं तो शायद वनडे विश्व कप में उन्हें ले जाना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित कर सकता है। लेकिन क्योंकि उनके T20 के नंबर इतने शानदार हैं कि सूर्य कुमार यादव पर खराब फॉर्म के बावजूद भी भरोसा किया जा सकता है, ऐसा राहुल द्रविड़ ने भी अपने बयान में कह दिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वेस्टइंडीज दौरे के बाद क्या उन्हें वनडे क्रिकेट में और मौका दिया जाएगा, क्योंकि वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया को T20 सीरीज खेलनी है और उसके बाद एशिया कप होगा। अब वहाँ सूर्य कुमार यादव को जगह दी जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि उन्हें जगह मिलती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।